कराची में अनोखी जेआईटी जिस पर हसास इदारों ने एतराज कर दिया। आसिम कैप्री और इसहाक बॉबी के बयानात और मुआयना रिपोर्ट में तजाद सामने आ गया। हसास इदारों की तरफ से पुलिस की मुश्तरका इन्वेस्टिगेशन पर पहली मर्तबा एतराज किया गया। कराची कुरंगी से गिरफ्तार टारगेट किलर जाहिद यूनिट इंचार्ज इरफान लारा के कहने पर कत्ल करता था। बदनामे जमाना ग्रुप रईस मम्मा से ताल्लुक, तफ्तीशी रिपोर्ट 24 न्यूज को मिल गई। औरंगी टाउन में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 6 अफराद जेर हिरासत। लाहौर में स्टेज अदाकारा किस्मत बेग कत्ल, हरबंसपुरा में 8 गोलियां लगी। सर्विसेज अस्पताल में चंद घंटे बाद दम तोड़ गई। मुकदमे की दरखास्त, फनकारों का एहतजाज। पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस कायम खानी पर जलाओ घेराओ के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद, कायम खानी का सहते जुर्म से इनकार। ताने देने वालों को अल्लाह ने रुस्वा किया, हैदराबाद में भी कामयाब कन्वेंशन होगा। फारूक सत्तार के बारे में नए इंकशाफात होंगे, मुस्तफा कमाल का ऐलान। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2016 में गैर मुल्की वफूद की भरपूर दिलचस्पी, 1 मिनट में 200 से जायद ग्रेनेड फायर करने वाला लॉन्चर, बम प्रूफ गाड़ियां और धमाके की सूरत में इमारतों को महफूज रखने वाला खुसूसी पेंट भी शामिल। जनरल राहिल शरीफ का खेल के मैदान से भारत को मुंह तोड़ जवाब, भारत को सर्जिकल स्ट्राइक का पता ही नहीं, हमने स्ट्राइक की तो भारतीय बच्चों को पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। आर्मी चीफ का खैबर एजेंसी का दौरा, कबाली अमायदीन से मुलाकातें। समंदरी सरहदें महफूज से महफूज तर हैं, बहरिया के सरबरा एडमिरल जकाउल्ला कहते हैं आप दोस्त दोबारा आने की कोशिश भी नहीं करेगी। एयर चीफ ने कहा कि भारत तहमुल करे वरना जानते हैं उसे कहां से पकड़ना है। अजीम सिपा सालार के लिए तारीखी इशाया, सर्विसेज चीफ DGISI मुशीर कौमी सलामती और विफाकी वजीरों और मुशीरों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ की 1-on-1 अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम का खिताब में पाक फौज और आर्मी चीफ की खिदमात को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ की लिस्ट में शामिल चारों जर्नल भी अशाइये में शरीक, लेफ्टिनेंट जनरल जुबैर महमूद हयात, अशफाक नदीम, जावेद इकबाल रमदे और कमर बाजवा में से कोई एक होगा अगला चीफ, फैसला 4 दिन के अंदर आ जाएगा। जरी क्यादत का बड़ा फैसला, बहादुर जर्नल की बाकी जिंदगी शहीदों के नाम। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज को खुदा हाफिज कह रहा हूँ, 29 नवंबर को इख्तियारात हवाले कर दूंगा। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी शहीदों के लवाहिकीन के लिए वक्फ करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से अहम सियासी मशावरत करेंगे। मुराद अली शाह और मुर्तजा वहाब भी दुबई तलब। बरतानवी वजीर खारजा की वजीर आजम नवाज शरीफ, सरताज अजीज, इमरान खान और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें। बरतानिया मसला कश्मीर हल कराए, पाकिस्तानी क्यादत का मुतालबा। बोरिस जॉनसन का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। बरतानवी वजीर खारजा के इशाइये पर शाह महमूद कुरैशी और एतजाज एहसन की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का 24वीं तरमीम रोकने के लिए तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट का बायकॉट खत्म करने का मशवरा। मंजूर वसान ने एक साथ कई ख्वाब देख डाले, कहते हैं कतरी शहजादे वजीर आजम को बचा लेंगे। दिसंबर शादियों का मौसम नहीं, कप्तान जो भी कह ले अब शादी नहीं होगी।
बिलावल भुट्टो की सिक्योरिटी पर टाल मटोल, मौला बख्श चांडियो गुस्से से भरे बोल पड़े, सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मोहतरमा को भी सिक्योरिटी ना मिलने का शिकवा। जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाने वाला जेल जाएगा, सिंध असेंबली ने जबरी मजहब तब्दीली और बच्चियों की जबरदस्ती शादी के खिलाफ तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन, मौसर कानून साजी के साथ साथ मुआशरे को भी औरत के वकार का ख्याल रखना होगा। पंजाब में बल्दियाती नुमाइंदे साल बाद भी बेइख्तियार, 24 न्यूज बन गया मुंतखब नुमाइंदों की आवाज, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और हमें व्हाट्सएप कर दें। बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार ना मिलने पर मुल्तान मसाइलिस्तान बन गया, डीसीओ नादिर चट्ठा का 24 न्यूज की खबर पर मुतल्लिका इलाकों का दौरा, आज दिखाए जाएंगे गुजरावाला के मसाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहरान का शिकार, 110 स्पिनिंग मिलें बंद होने पर धागे की किल्लत का खदशा, साइजिंग वेविंग प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी मुतासिर। जाली अद्वियात के खिलाफ शिकंजा तैयार, पंजाब भर में क्रैक डाउन होगा, वजीर आला टास्क फोर्स के चेयरमैन ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत इजलास। बड़े नोट मंसूख करने का फैसला मोदी के गले की हड्डी बन गया, काला धन और टैक्स तो ज्यादा ना हो सका, इक्तसादी तरक्की की शरह में कमी का इम्कान पैदा हो गया।